जोर की पतली थी, कहो ना लू टेंशन। नहीं, पर क्या सच में खूबसूरत भी थी? मम्मी जबरदस्त खूबसूरत, 30 सेकंड तक तो मैं खुद घूमती रह गई उसको। कहो अब भी ना लू टेंशन? अब ले लो। रिक्शा, अरे कहाँ चली? अरे वही टेंशन दूर करने, आलोक से पूछूंगी कि चल क्या रहा था। अरे पगला गई हो क्या? अपने मम्मी के दिए हुए संस्कार भूल गई हो तुम? अरे क्या सिखाया हमने तुमको कि पति पे शक करो, पर ऐसे शक करो कि उसे कभी शक ना हो कि तुम उस पे शक कर रही हो। अरे तो फिर क्या करें मम्मी? आज तक लगता था कि कोई लड़की आलोक को मुझसे छीन के ले जाएगी, पर अब लग रहा है कि आलोक ही मुझे किसी के लिए छोड़ के चले जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना मम्मी। हाँ तो जिसका डिपार्टमेंट है उसे करने दो। हाँ? पतली लड़कियां तो कर रही हैं तो करने दो। ना ना बाबा। क्या बाबा? बाबा बाबा मैसेज करते हैं। बोलो कुछ। रसोई में बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे ही, बेहतरी इसी में है जब नई बहू रसोई में हो तो तुम बरामदे में बैठा करो, फिर तो झगड़ा होगा ही नहीं। बाबा जी ये रसोई बर्तन झगड़ा जे का बोल रहे हैं आप? मतलब आलोक की दूसरी पत्नी के साथ तुम्हारी कोई अनबन नहीं है? अनबन? फिर क्यों आई हो यहाँ? हे बंसी वाले, ये दूसरी पत्नी कहाँ से आ गई? मतलब आई नहीं अभी तक? अभी तक मतलब? लगता है मैं भविष्य में कुछ आगे निकल गया है, उसके लिए अभी समय है। बाबा ये भविष्य सच नहीं होना चाहिए, अगर सच हुआ ना तो मैं वर्तमान में ही जान दे दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। जान ही दे दूंगी बेटा, तो आने वाली का काम तो आसान हो जाएगा। अरे आने वाली बार बार आने वाली मत बोलो ना बाबा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आलोक की कुंडली बोल रही है। आलोक की कुंडली में 2 शादियों का योग है, यही नियति है बेटा, और नियति को कोई नहीं बदल सकता। आलोक की दूसरी शादी हो के रहेगी। बाबा 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 सुनो ना, मम्मी अब क्या करें? करना क्या है, नियति बदलनी पड़ेगी। कैसे? इतिहास की टीचर हो ना तुम, तुम्हें अपना इतिहास दोहराना पड़ेगा। क्या मतलब? अरे मतलब तुम मिस आगरा थी, मिस आगरा। तुमसे ज्यादा सुंदर इस शहर में कोई लड़की ना थी, तुमने आग लगा दी थी आलिया। फिर से आग लगाने का टाइम आ गया है। अरे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का जादू चलाओ ताकि आलोक की नजर तुमसे हटे ही ना। अभी रोहन है, क्या कर रहे हो? आलू रोहन को बाहर भेजो। बेटा रोहन दूध उबलने वाला ड्राइंग क्या बना रहा है? जाओ पापा के लिए पानी लेकर आओ। बहू। बेटा आलोक, मम्मी जी का बुलावा आ गया। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा था। मेरा बच्चा आ जा। बंसी वाले कुछ देखा बेटा?
सॉरी मम्मी जी, मैंने तो दूध गैस पे ही रखा था। वही तो बेटा, वही था, उबल के उफन उफन के नीचे गिर रहा था। हम बचा देखे, देखो हमारे हाथ जल गए और पतीला नीचे। कोई बात नहीं, 50 रुपए की तो बात है। जो बाहर आंगन में तुम्हारी अम्मा ने पैसों का पेड़ लगवाया है ना, उसमें से 50 की पत्ती तोड़ लेंगे, नई थैली आ जाएगी, है ना? बेबी डॉल बनने का टाइम बहुत है ना, खुद को शीशे में निहारती रहती है। वाह मम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था कि एक शीशा लगवा देते हैं किचन में। अरे बेटा, एक शीशे में प्रतिबिंब कहाँ आएगा तुम्हारी मैडोना का? आलू है? और तुम चौथा सजन मत बनो, समझे ना? सवेरे सवेरे बताओ दूध गिरा दिया, अब तो जरूर इस घर में कुछ अपशगुन होगा। ना ना मम्मी, ऐसा ना होगा। अगर हमें पता हो तो हम नियति को बदल सकते हैं। मैं अपना टिफिन ले लेता हूँ। देखा, हो गया ना अपशगुन। कहा था ना नहीं होगा। नियति को बदलने चली थी ना? वाह, क्या हो रहा है? प्यार हो रहा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा है? अरे अरे, गिर गिर के हमारे घर में बेसमेंट बनाओगी क्या अब तुम? क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारे घर को स्वर्ग बना रखा है हमारी लड़की ने। चुप रहो। उठ चालिया, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो उठो, आलो उठो उठो। अरे बाप रे, आलू हमारे तो कपड़े खराब हो गए, अब चेंज करके आते, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, अरे चलो 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 चलो, दूध चलो अंदर आओ। सॉरी मम्मी जी। भगवान, सारा दूध बर्बाद हो गया, अब तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो हमारी तरफ क्यों देख रही हो, हम क्यों करेंगे? अरे टिफिन वाले बिजनेस में पार्टनर तुम ना हो भाई। अरे बिजनेस पार्टनर है, तुम्हारे निजी नुकसान का हम क्यों भरपाई करें भाई? तुम्हारी बेटी की वजह से सारा दूध बर्बाद हुआ है। अरे वाह आलिया, ना तुम्हारी बहू है, वो जो भी घाटा करेगी इसकी भरपाई तुम ही करोगी अब। अच्छा, यानी बिजनेस और रिश्तेदारी दोनों में घाटा हम उठाएं? सच्ची मुच्ची? अरे यार, ये किसने लगा दी? होगी किसी की, जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे जाना दो, रोज यहाँ मैं लगाता हूँ। अरे तो आज वहाँ लगा लो ना, क्या हो गया? अरे नंदन जी। अरे आलोक, जाने दो ना। तुम एक काम करो आलू, तुम रोहन को लेकर अंदर चलो, मैं जरा पार्किंग ढूंढ कर आता हूँ। ठीक, रोहन टिफिन से ही खाना, ठीक है? क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना और ज्योति काका के समोसे मत खाने लगना लंच टाइम में, ठीक है? जी मम्मी। चलो बाय। आलिया रुक तो जरा, जे देख मैं क्या लाई शंकर मार्केट से, क्लिप। अच्छा है, है ना? दुकानदार ने मुझे बोला कि पति हाथ से निकल सकता है पर जे क्लिप बालों से ना निकल सकती। मैंने बोला बकवास बंद कर और पैसे बता, कम करा के तेरे लिए भी एक ले आई। आलोक की कुंडली में 2 शादियों का योग है, यही नियति है बेटा। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तेरे क्लिप वाले की बात सच है, मेरा पति निकल रहा है हाथ से। ओहो, तुम हिस्ट्री पढ़ाने वालों का ना यही प्रॉब्लम है, हमेशा कल में अटके पड़े रहते हो। अब क्या आलोक सपने में सुंदर लड़की ऐसा चिल्ला रहा था? तो भूल जाना उसे। देखा लिया, आदमी कटरीना की पिक्चर देखने जाता है तो उसके आइटम नंबर पे मुंह फाड़ता ही है ना, कौन सा रिश्ता लेके मुंबई पहुंच जाता है। और कटरीना खुद यहाँ आ जाए तो? हाँ? आलिया रुक ना, कल आई थी ना पीली साड़ी पहनकर वो स्कूटी पर, वैसे कौन थी वो? देख, देखने में ना साउथ दिल्ली टाइप की लग रही थी, बड़ी सुंदर थी। तो साउथ दिल्ली वाली आगरा में क्या कर रही है? अरे न्यूज रिपोर्टिंग करने आई होगी। देखो देखो स्कूल की खस्ता हालत, देखो बच्चों से ज्यादा तो टीचरों को पढ़ाई की जरूरत है। प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेके चली गई होगी। सच्ची? अरे हाँ ना, तू ये क्लिप लगा ना। तू लगा क्लिप, तुझे पता है ना आलोक को खुले वाल पसंद है। आलिया। हाँ? अरे पता चल गया वो किसकी स्कूटी है। किसकी? अरे वही लड़की जो कल आई थी। कौन लड़की? वो पतली सी सुंदर सी, जैसे सब मुड़ मुड़ के देख रहे थे वही। वो फिर आ गए इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू? अरे वो यहाँ की नई इंग्लिश टीचर है। हाँ? हाँ।
Hello everyone. हेलो बोल रही हैं हेलो हेलो हाय आई एम तारा कोहली द न्यू इंग्लिश टीचर इट्स सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू ऑल एंड इट्स माय इमेंस प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल वाओ व्हाट इंग्लिश ब्यूटीफुल महीनों हो गए सुने हुए इन लोगों की बदौलत ये चल रहा है यहाँ पे तो कहाँ से हैं आप मैं साउथ दिल्ली से और मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है कौन से ब्रिज से देखा ये चल रहा है यहाँ पे भाई अब आप लोग खड़े ही रहेंगे कि अपना अपना इंट्रोडक्शन भी करेंगे जी जी सर जी जी नमस्ते नमस्ते तारा जी मैं जीके गोपाल अरे सब नहीं एक एक करके अरे कोई तो बोलो नमस्ते तारा जी नमस्ते मैं जीके गोपाल कुमार मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ मुझे पता था कैम्ब्रिज के बारे में और उसके अलावा वहां मनोज नमस्ते मनोज सत्संगी केमिस्ट्री टीचर गुड केमिस्ट्री विद पीपल आल्सो मैं राजेश भदौरिया ड्राइंग टीचर हूँ आप मेरी ना चित्रकला की प्रदर्शनी भी देखिएगा साइमन हेलो साइमन जी गो बैक अंग्रेजों वापस जाओ साइमन गो बैक देखा गो बैक करके खुद ही चले गए ये चल रहा है यहाँ पे तारा जी वो हमारे हिंदी टीचर की इंग्लिश से थोड़ी बनती नहीं है हो सकता है उनका कोई पीरियड रहा होगा मेरा नाम आलोक है हाय वैसे मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा रियली देख के लगता नहीं तो क्या लगता है देख के ठीक से देखने तो दो आलोक सर तुम तारा मैडम को लेकर जाओ सर कहाँ फतेहपुर सीकरी सर मैं स्कूल दिखाने और कहाँ अरे सर स्कूल तो मैं यहीं खड़े खड़े दिखा दूँ ना देखो ये बाहर कॉरिडोर फिर दाएं बाएं कमरा कमरा क्लासरूम फिर आगे बढ़ो फिर दाएं बाएं कमरा कमरा क्लासरूम फिर मैदान और फिर एग्जिट बाहर जाने का रास्ता लेकिन वहां से तो मेरी एंट्री हो गई है बट सर स्कूल का ही पूरा राउंड हो जाता तो वुड हैव बीन बेटर तो मैं दिखा देती हूँ ना यहीं से चलो अच्छा तो फिर कमरा कमरा क्लासरूम जाके पढ़ाएगा कौन मैं बच्चों को नानी के घर भेज दूं एवरीवन गॉट योर क्लासेस यस सर आलोक चले श्योर ये है इस स्कूल का सबसे ऐतिहासिक कोना ज्योति काका की कैंटीन कमाल के समोसे और नींबू पानी मिलते हैं आपके काका दो समोसे थोड़ा ऊंचा सुनते क्या चाहिए अरे यहाँ हवाई जहाज थोड़ी ना मिलने हैं दो समोसे हाँ समोसे मांग रहे होगे ना हाँ एक ही बचा है जो बने थे बिट्टू की बहू ले गई ससुराल सवेरे लीजिए तारा जी आप ही ले लीजिए अरे क्यों शेयर करते हैं ना आलू आलू क्या हुआ अरे समोसा ही तो खा रहे हैं वो भी अलग अलग कौन सा एक दूसरे का झूठा सेब खा रहे हैं चल तू चल तारा जी देख लिया स्कूल देखा नहीं दिखा दिया आलोक जी ने इट वाज सो नाइस हाँ स्कूल तो नाइस ही है नहीं नहीं मैं आलोक जी की बात कर रही हूँ उन्होंने बहुत अच्छे से घुमाया भी और खूब हंसाया भी क्या गुदगुदी की आपको व्हाट आई मीन जोक्स वगैरह यू नो हाँ वो मुझे भी ऐसे ही हंसाते हैं ऑफ कोर्स इनफैक्ट वो तो पूरे स्कूल को ही हंसाते होंगे राइट ना ना स्कूल नहीं घर पे पति हैं वो मेरे मैं आलोक जी की बात कर रही हूँ
मैं भी आलोक की बात कर रही हूँ। ओ ओके, मतलब आपके पति का नाम भी आलोक है? ना ना, आलोक ही मेरे पति हैं। अपने आलोक? अपने? आई मीन पीटी टीचर आलोक। आपके टैटू कराई तो ही मानोगी, वही आलोक, ALOK। ओके हाँ, वही मिस्टर आलोक कुमार परिहार, पीटी टीचर ऑफ ज्ञान सरोवर बाल विद्या मंदिर, वही जो आज मेरी पीली साड़ी से मैचिंग पीली शर्ट पहन के आए हैं। आलो। ओ तो तुम आलो हो? हाँ, वो आलोक जी बीच बीच में अपने घर की बातें बता रहे थे, मेरी आलू ये, मेरी आलू वो। सो यू आर आलू? आराम से आराम से। अरे रोहन, अरे मामा मामा। रोहन, मम्मी यहाँ है। देखी तो ये अपने आलम सिंह का बेटा है? हमारा बेटा है। ओह ऑफ कोर्स। जाओ बेटा, बाइक पे बैठो, जाओ। ही इज वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। बिल्कुल अपने पापा पे गया है। पर आप कहीं और क्यों नहीं गई? एक्सक्यूज मी, नहीं मेरा मतलब है आप साउथ दिल्ली से इतनी दूर से आगरे में बच्चों को पढ़ाने आ गई? अरे जॉब नहीं मिली होगी है ना? ऐसा नहीं है, इनफैक्ट ऑफर्स तो कई थे मेरे पास। अच्छा, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाती। ओ तो मतलब शौकिया पढ़ाती हो, मतलब कुछ दिन में शौक पूरा करके चली जाएगी है ना? जी नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। इनफैक्ट जो करने आई हूँ वो करके रहूंगी। सो यू डोंट वरी। वेल अब तो इस कॉरिडोर में हमारी रोज मुलाकात होती रहेगी है ना? सी यू गाइस, बाय। तुझे ना मैं यहां नहीं टिकने दूंगी। लेकिन वो टिक गई तो, नियति सच हो गई तो? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.